कराची में कयामत खेज गर्मी, इंसान तो इंसान जानवरों की लाशों के ढेर लग गए। ईदी सर्द खानों में लाशों का अंबार लग गया। हीट स्ट्रोक के सैकड़ों मरीज अस्पतालों में दाखिल, 25 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। कयामत खेज गर्मी में हिफाजती तदाबीर के लिए शहरी क्या करें, माहरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि कराची शदीद गर्मी की लहर से कैसे मुतासिर हो रहा है। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात हाजिरा से मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हक पाकिस्तान व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 03152288560। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कराची शदीद गर्मी की लपेट में आ गया है। पारा 40 डिग्री और शिद्दत 50 डिग्री महसूस की जाने लगी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दोपहर शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 48% है और गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कराची में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान अमवात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ईदी सर्द खानों में 427 मैयतें लाई गई हैं। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी का बयान सामने आ गया, जिसमें उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 रोज़ में ईदी सर्द खानों में 427 मैयतें लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अमूमन रोज़ाना लाई गई मैयतों की तादाद में दुगने से ज़्यादा इजाफा हुआ है। फैसल ईदी के मुताबिक गर्मी की लहर के साथ शहर में अमवात की तादाद बढ़ी है। 21 जून को 78, 22 जून को 86, 23 जून को 128 और 24 जून को 135 मैयतें ईदी सर्द खाने लाई गई हैं। सरबरा ईदी फाउंडेशन का कहना था कि आम दिनों में एवरेज 40 तक मैयतें सर्द खानों में लाई जाती हैं। अमवात की वजह डॉक्टर्स बता सकते हैं। फैसल ईदी ने कहा कि ज़्यादातर लाशें गरीब आबादियों और लोड शेडिंग से मुतासर इलाकों से लाई गई हैं। मजीद कहना था कि हुकूमत गर्मी के अवकात में कारोबार बंद रखने का इकदाम करें, शहरी गर्मी से बचाव की तदाबीर पर अमल करें। छिपा वेलफेयर के मुताबिक हीट व्यू से मरने वालों की तादाद 14 है। कराची में शदीद गर्मी के बाईस 2 रोज़ के दौरान सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 150 मरीज लाए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आज सुबह से अब तक हीट वीओ से 40 मुतासरा अफराद को सिविल हॉस्पिटल लाया गया है, जिसके बाद 2 रोज़ के दौरान मुतासरा मरीजों की तादाद 150 हो गई है। एडिशनल MS सिविल अस्पताल के मुताबिक मुतासरा अफराद में नमकियात की कमी पाई गई, जिन्हें तिबी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। इंचार्ज शोभा हादसात ने शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल और सख्त गर्मी में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करने की हिदायत की है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल अस्पताल में आज हीट स्ट्रोक से कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम गुज़िश्ता रोज़ सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 8 अफराद जाँ बहक हुए। इसी तरह जिना हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कराची में कयामत खेज गर्मी के दौरान 2 रोज़ में 25 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहर कायद में कयामत खेज गर्मी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से फुटपाथ और सड़कों से खातून समेत 15 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 दिन में मजमूई तौर पर 25 अफराद गर्मी के दौरान जाँ बहक हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 रोज़ में मिलने वाली 25 लाशों को छिपा और ईदी के रजाकारों ने सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। छिपा के रजाकारों ने मजमूई तौर पर 22 जबकि ईदी ने आज 3 लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरी जानिब कराची में शदीद गर्मी से भैंस कॉलोनी में मुतादिद जानवर हलाक। कराची में पड़ने वाली शदीद गर्मी से इंसान तो इंसान जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। सेक्रेटरी इतलात डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक गर्मी की वजह से भैंस कॉलोनी में मुतादिद जानवर मर गए और मुतादिद गर्मी से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के पेश नज़र जानवरों की हलाकतों में मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए विटामिन सी और ग्लूकोस दे रहे हैं। कयामत खेज गर्मी में हिफाजती तदाबीर के लिए शहरी क्या करें, माहरीन सेहत के मशवरे। नाजरीन, कराची में गर्मी के पेश नज़र माहरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। टीबी माहरीन के मुताबिक गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुख्तलिफ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा शहरी बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करें, क्योंकि गैर मयारी मशरूबात और खानों से मैदे के मसाइल होते हैं।
तिबी माहरीन का मशवरा है कि शहरी पानी उबाल कर पिए, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, जबकि हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, बाहर निकलते वक्त सर ढांप लें और तेज धूप के औकात में घरों से बाहर ना निकलें। माहरीन सेहत के मुताबिक शहरी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक खुद को बराए रास्त धूप की तपिश से महफूज रखें। पानी और ORS का इस्तेमाल नमकियात की कमी से बचा जा सकता है। वाज़े रहे कि कराची शदीद गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है, हवाओं के रुख में तब्दीली के बाइस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।